नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गोरक्षा प्रमुख जगदीश दीक्षित पहुंचे आज फिरोजाबाद। विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा प्रमुख जगदीश दीक्षित का कहना है कि गाय जब तक किसान के खूंटे तक नहीं पहुंचेगी तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती। इसी के साथ बोले, आज गाय को पालने से रोजगार मिलेगा, ऐसा कहना था विश्व हिंदू परिषद प्रांत गौरक्षा प्रमुख जगदीश दीक्षित का। साथ ही गाय के गोबर व गौमूत्र के सेवन के बिक्री व उपाय भी बताए। देखिए इस रिपोर्ट में। जगदीश दीक्षित, प्रांत गौरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। गाय को लेकर आपकी तरफ से क्या ऐसा किया जा रहा है जो कि गाय अपना को मतलब सही मानी जाए? गाय विश्व हिंदू परिषद का मानना यह है कि गाय जब तक किसान के खूंटे पर नहीं पहुंचेगी तब तक बचेगी नहीं, और किसान के खूंटे पर पहुंचाने का प्रयास उसका किया जा रहा है, उसमें विश्व हिंदू परिषद पूरी मनोयोग से लगा हुआ है। और उसमें यह है कि गाय के द्वारा हम युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, गौ उत्पाद बन सकते हैं, हम किसान को जैविक खेती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक गौ कपड़ा मतलब बना है, उसके द्वारा ये यूरिया वूरिया से कहीं अच्छी स्थिति में है वो। फिर हमारे वैद्य जो हैं उनको हमने एक टीम बनाई है जिनके द्वारा पंचगव उत्पाद बने और वो हमारे यूज हों। आप देख रहे हैं मैं चश्मा नहीं लगा रहा हूँ 72 साल की उम्र में, ये केवल गोमूत्र और के प्रभाव है, और उसी के नेत्र बिंदु में आँखों में डालता हूँ उसका प्रभाव है, उसके वजह से होता है। और गोमूत्र कैंसर भी उससे सही हुआ है, ऐसा उसके वो है। हम किसान हम जो है उसको सही ढंग से चला नहीं पा रहे, सही ढंग से चले तो गाय के पंचगव्य जो है अमृत है। गाय का घी 10 ग्राम जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है, और हम सिलेंडर के लिए मारे फिर रहे हैं और गाय के घोई को जला करके ऑक्सीजन नहीं पैदा कर रहे। मेरे घर में मेरे बेटे मेरे बहू सब बीमार हो गए और उन्हें पूरे रक्षा कोरोना के थे, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा था आपका ऑक्सीजन लेवल तक घटा ही नहीं, आपका 2 दिन में सही हो गए, और ऑक्सीजन लेवल घट गया होता तो भर्ती होते 1-8 महीने में सही होते, क्योंकि वो हर इतवार को गाय के घी से ही यज्ञ करता है, इसलिए ऑक्सीजन लेवल का नहीं हुआ, ये सही हो गया। तो ये गाय का वो बात है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले पंचगव उत्पाद बनाने से। और पंचगव दवाइयाँ पंचगव की बनती हैं, आयुर्वेद में 50% दवाइयाँ जो हैं वो गौमूत्र के द्वारा ही बनाई जाती हैं। मेरे पिता वैद्य थे, बनाते थे, मैंने अपने हाथ से बनाई हैं वो दवाइयाँ बचपन में, तो वो दवाइयाँ बने, उसके द्वारा चिकित्सा हो, उसके लिए मैं चिकित्सकों की टीम एक बनाई हुई है, वो भी हर जिले में हमारे चिकित्सक हैं जो पंचगव के उत्पाद हम बनवा में गौशालाओं में और वो उसको वो करें रोजगार। पंचगव जैसे धूप बत्ती है, गौ कृपा अमृत, और ये वो है बच्चों की बत्ती है, कई तरह के उत्पाद हैं, और एक गोरस गाय के गोबर से आप छाछ खाकर कैसी भी बुरी सी वो सब सही हो जाती है, ऐसा उसका प्रभाव है। इस तरह की दवाइयाँ भी बनेंगी, कोई उत्पाद बनेंगे ताकि उसके द्वारा रोजगार मिलेगा। डॉक्टरों और डॉक्टरों को की टीम के द्वारा हम पंचगव की दवाइयों का वो कराने के इसमें, ताकि देसी गाय पले, और ये सब देसी गाय का प्रभाव है, विदेशी गाय का नहीं है। तो देसी गाय जिसके ठाटी होती है उसका प्रभाव है, उसके पंचगव का ऐसे प्रभाव है, वो सब उसमें हम विश्व हिंदू परिषद लगा हुआ है, और उसके लिए हम जो है प्रयासरत हैं। महिलाओं का समूह बनाया जाएगा, उससे ये अभी निर्णय हुआ है, अभी नवंबर की बैठक में महिलाओं के समूह बनाए, समूह के द्वारा हमें उत्पाद बनवा में देहात में उत्पाद बनवा में, और उत्पादों का वो अब धूप बत्ती आ रही है, तारकोल है उसमें, बहुत नुकसानदायक है, और गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाई जा रही है। हमने पीलीभीत में शुरू कर दिया है, अभी मान मंदिर बरसाने में भी ये चल रहे हैं, उत्पाद भी अच्छे बनने लगे, अच्छी आमदनी उससे हो रही है, और वो फायदेमंद है गोबर वाली धूप बत्ती, और ये तारकोल वाली नुकसान देती है, बहुत भारी नुकसान देती है वो, तो वो उस पर हम लगे हैं। और जब ये उत्पाद बनने शुरू होंगे तो गाय का बचना निश्चित है, और हम उसी पर लगे हुए हैं, बाकी तो भगवान के ऊपर है, भगवान क्या करेगा, लेकिन प्रयास विश्व हिंदू परिषद का है कि गाय को बचाने के सारे प्रयास हम जो कर रहे हैं वो हम उसमें लगे हैं। रोजगार भी मिलेगा, किसान भी खेती अच्छे करेगा, जोड़े दाम किसान को मिलेंगे, ऐसे प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लगे। ये प्रयास कितने जिलों में किया जा रहा है? अब ये तो हमारा प्रयास है, हम कर रहे हैं, अब कितना
किसान उसको अपनाता है, उसमें समय जितना लगता है उसके, अब हम प्रयास हमारा है कितने दिन में किसान अपनाएगा उसको, कितने दिन में हमारे कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये तो अब समय के पर निर्भर करेगा कि कितने दिन लगे पाएंगे उसके। जल्दी से हमको कोशिश करें साल भर के अंदर ये काम शुरू कर दें, हम 2022 में ये सब काम हमारे शुरू हो जाए, हमारा प्रयास तो यही है, बाकी तो भगवान मालिक है, भगवान क्या करे क्या होगा वो। मेरा नाम दिनेश भारद्वाज और विश्व हिंदू परिषद की जो गौ संवर्धन की शाखा है, भारतीय गौ वंश संरक्षण एवं संवर्धन परिषद, उसका प्रांत का मंत्री हूँ और आप हमारे जगदीश जी अधिकारी हैं। मेरे साथ मेरी बहन मानसी गुप्ता हैं, ये गौ संवर्धन परिषद की जिले की उपाध्यक्ष हैं। हमारे राहुल जी शर्मा सहमंत्री हैं, राहुल भारद्वाज ये फिरोजाबाद जिले के मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गौ पालन हम क्यों करें, केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि विज्ञान ऋषित्व और कृषित्व पर आधारित है। हमने पढ़ा है वेदों में और अपने धार्मिक ग्रंथों में कि राजा दिलीप के जब कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तो उन्होंने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा करके उन्होंने रघु जैसा पुत्र पाया। असली चीज यह है कि इसको कुछ सेक्युलर लोग हमारी अंधभक्ति कहते हैं, लेकिन इसका संबंध विज्ञान से है। गाय के गोबर में जो गिरता है उसमें जो गर्मी होती है वो शुक्राणु को प्रभावी बनाती है। अगर दो पति पत्नी दोनों मिलकर के गाय के गोबर के कंडे पाथें तो जिन निसंतान दंपति को संतान नहीं हो पा रही है, एक वर्ष के अंदर गौ माता की कृपा से इस वैज्ञानिक कारण से उनको निश्चित रूप से संतान मिलेगी, यह हमारी गारंटी है। इसी के साथ साथ जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है, रात को लोगों को नींद नहीं आती है, तो केवल गाय थोड़ा सा हथेली पर गाय का घी लें और उसको नाक में लगाएं, टुंडी में लगाएं और रगड़ करके पैरों से लगा लें तो निश्चित रूप से रात भर बढ़िया नींद आएगी, ब्लड प्रेशर समाप्त होगा, अन्य चीज़ें समाप्त होंगी। गाय के पीठ पर अगर हाथ फेरा जाए तो ब्लड प्रेशर समाप्त हो जाता है, लेकिन ये सब होगा कब, जिस गाय को हम पालेंगे उस गाय के ही तो पीठ पर हाथ फेर पाएंगे। जिस गाय को हम जानते नहीं है, सड़क पर चलती हुई गाय के अगर पीठ पर हाथ फेरा और उसने मारी लात तो दूसरी तरफ गिरेंगे। तो गाय पालना, अगर हमें ब्लड प्रेशर समाप्त करना है तो ब्लड प्रेशर रोकने के लिए गाय पालना जरूरी है कि उसके पीठ पर हम रोजाना हाथ घुमा करके उसको खाद का विषय है, एक जबरदस्त शक्तिशाली खाद, एक मटके के भीतर गोबर, खेत की मिट्टी, गाय का मूत्र और गाय की सादा पानी और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, जो वहाँ रख दीजिए जहाँ चींटियाँ रहती हैं। 15 दिन के अंदर ये ऐसी शक्तिशाली खाद होगी जो खाद 1 बीघा खेत के लिए जितना यूरिया इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत सस्ती पड़ेगी। इसमें पुराना मटका जिसकी कोई कीमत नहीं, गोबर की कोई कीमत नहीं, खेत की मिट्टी की कोई कीमत नहीं, केवल 100 ग्राम गुड़ी तो आपको इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम गुड़ में अगर आपको एक बोरी यूरिया के बराबर खाद मिल जाए और दमदार खाद मिले तो निश्चित रूप से किसान का गरीबी दूर होगी। तो हम लोग किसानों की गरीबी दूर करने के लिए, गौ माता की हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनको बनाए रखने के लिए, हिंदुत्व के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए मेरी पूरी टीम है साथ में। और आपने हमें समय दिया, हमारे यहाँ आकर के अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं, शुभकामनाएं आपके लिए कि हमारी जनता की आवाज़ को, गौ भक्तों की आवाज़ को आप आगे भी उठाते रहेंगे। धन्यवाद।